नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G42 वर्सेस Nokia G21 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G42 में 6.32 इंच जबकि Nokia G21 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G42 में 2.89 इंच जबकि Nokia G21 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G42 में 0.32 इंच जबकि Nokia G21 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि G42 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G42 में 174.5 ग्राम जबकि Nokia G21 में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G42 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G42 में AMOLED जबकि Nokia G21 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G42 में 6.4 इंचेस जबकि Nokia G21 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G42 में 1080x2400 और Nokia G21 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G42 में 83.89% जबकि Nokia G21 में 81.65% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G42 में 411 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nokia G21 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G42 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nokia G21 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G42 में Adreno 610 जबकि Nokia G21 में Mali G57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G42 में Qualcomm Snapdragon 680 और Nokia G21 में Unisoc T606 मिलता है। बात करें RAM की तो G42 में 4 GB की RAM मिलती है जबकि Nokia G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G42 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nokia G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो G42 में अप टू 1 TB जबकि Nokia G21 में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G42 में Android V12 जबकि Nokia G21 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी G42 में 5000 mAh जबकि Nokia G21 में 5050 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G42 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोकिया G21 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो मोटो G42 में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें नोकिया G21 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में G42 आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G42 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Oppo A16K है, तीसरा Vivo Y15s 2021 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 50A Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।